दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि OPPO की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 24 अप्रैल को OPPO जो है अपना 5G मोबाइल जो है वो लॉन्च करेगा, और ये इंडिया के अंदर भी हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल पाते हैं, क्या प्राइस होगी, क्या कैसा ये फ़ोन होने वाला है, क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में सारी बात हम करेंगे इसी वीडियो में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ओप्पो जो है इस फ़ोन को 24 अप्रैल को लॉन्च करेगा। इस फ़ोन के अंदर जो है हमें 5G हार्डवेयर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो है यदि 5G है तो जाहिर सी बात है एक फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है, जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के ऊपर ये फ़ोन रन करने वाला है। इसके अंदर हमें जो है 8GB और 10GB रैम के जो वेरियंट हैं वो इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। और इस फ़ोन के बारे में, इसके अंदर हमें 20x जूम देखने को मिल सकता है, ऐसा अभी कहा जा रहा है। ऐसा ओप्पो के द्वारा नहीं कहा गया, बाकी जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ही आ रहा है कि इसके अंदर हमें जो है 20x जूम देखने को मिल सकता है। साथ ही में इसके अंदर हमें जो है ये पहला स्मार्टफोन होगा जो रन करेगा कलर OS वर्जन 6 के ऊपर जो है ये रन करने वाला है। और यदि बात करें इसके अंदर, ये ओप्पो की रेनो जो लाइनअप है उसके अंदर ये फ़ोन हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस फ़ोन के अंदर क्या क्या और हमें आगे आने वाले टाइम में क्या क्या अपडेट मिल पाते हैं। जो पूरी प्राइस वगैरह सारी चीज़ें वो तो लॉन्च के बाद ही हमें पता चल पाएगा। अभी इसके अंदर जो है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हमें जो है S2S डिस्प्ले मिलेगी। इसके अंदर वही जो है ओप्पो रेनो के टिल्ट कैमरा वाला जो डिज़ाइन है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यदि 5G के बारे में हम बात करें तो 5G के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा। तो आप उस फोन को भी देख लीजिएगा कि 5G एक्चुअल में होता क्या है और क्या होगा। 5G के अंदर यदि हम ये कह सकते हैं कि 4G के मामले में, 4G के कंपैरिजन में ये जो है मोर देन 10x टाइम, यानी 10 times फास्टर होगा, मोर देन 10 times फास्टर ये जो है वो होने वाला है। तो ये ओप्पो ने जो एक वीडियो बनाया था वो आपको वीडियो के साइड में दिखाई दे रहा होगा, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि क्या आपको अभी 5G फ़ोन कोई ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। भैया, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अभी यदि आप एक 5G फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपको जो है 5G फ़ोन ख़रीदने के लिए नॉर्मल सी बात, आपको 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। अगर आप इतना अमाउंट पे करने के बाद भी एक बीटा यूज़र बन के रह जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि हमने, जैसे 4G आया था तो हमने काफ़ी लोगों ने 4G फ़ोन ख़रीदे थे। एक फ़ोन का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, हमने जो है लिनोवा K3 नोट है वो एक 4G फ़ोन था, वो भी हमने ख़रीदा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही रिलायंस जियो आया तो जियो के अंदर जो है वो था कि ये वोल्टी जो हार्डवेयर यदि जिस फ़ोन के अंदर होगा, सिर्फ वही फ़ोन के अंदर जो है ये सिम कार्ड रन कर पाएगा, या फिर कॉलिंग फैसिलिटी उसी फ़ोन के अंदर हमें प्रोवाइड हो पाएगी रिलायंस जियो की तरफ से। तो जो लिनोवा K3 नोट है उसके अंदर ये वोल्टी एंटीना नहीं था। तो इस तरीके का कुछ अपग्रेडेशन यदि आता है, और अभी हम 5G फ़ोन के ऊपर 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये लगा के बैठ जाते हैं, तो हमें इस तरीके की कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मेरे को पता है आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, और पास में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।